प्लेयर बचे हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से गॉडलाइक को भी अपनी रोटेशन शुरू कर देनी चाहिए। दे हैव टू मेक श्योर कि वो सही सलामत चारों प्लेयर जोन के अंदर जाए, बिकॉज फिनिशेस उनकी नहीं है और यहाँ एलिमिनेशन मतलब सिर्फ एक पॉइंट आपको मिलेगा। चुबी निंजा, अब साथ में वेक्टर कॉम्बिनेशन देखिए, आप वहां पर वीएसएस और वेक्टर का बहुत कम बार देखा हमने, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतर प्लान के साथ कुछ कहीं ना कहीं यू नो होमवर्क कर आए कि मैं यही कॉम्बिनेशन ही यूज करूंगा क्लोज रेंज में वेक्टर और साथ में मिड में वीएसएस, जो टीम के लिए टूर्नामेंट्स में काफी काम आ सकता है। दो प्लेयर डाउन करती है टीम सोल के, स्काउट बीइंग द लास्ट मैन। साथ में अगर आप गॉडलाइक की बात करें, उनको पोजीशन करना चाहिए था, बिकॉज़ आपके पास जोन का एक इतना अच्छा एरिया और जोन का शिफ्ट भी आ गया, कॉर्नर मिल गया, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए थी आईपीएल। देखिए पोजीशन तो गई गई, साथ में अगर आप गॉडलाइक की बात करें, उनको पोजीशन मिल गई है, वो गेटकीप कर सकते हैं। अगर आप शेयर की बात करते हैं, लीड स्कॉट की बात करते हैं, देखिए अच्छा रोटेशन था, थोड़ा लेट जरूर हो गए, पानी से जाने की कोशिश थी और स्पॉट कर लिया गया। क्या सीन है भाई का? सीन बिल्कुल साफ है, सीन ये है कि उनको फिनिशेस निकालने हैं, चार मिल चुके हैं, बाकी कितने निकालेंगे वो हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए सैंडविच सिचुएशन थी, ब्रेड्स यहाँ पे आपस में फाइट करके क्लियर होगी, जो स्टफिंग थी वो बच गए हैं। स्काउट मीन द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल, स्टिल सर्वाइविंग समहाउ। दिखाने का अपने होल्डिंग स्पॉट को और बेहतर बनाने का, बिकॉज यहां से फिनिश पॉइंट्स की बहुत भूख लग रही है मुझे रेवेनेंट के रूप में। देखिए क्या गॉड लाइक, बीइंग गॉड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम एक चिकन लेके आ सकती है। अगर ये चिकन आता है, ये पहला चिकन होगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा टीम गॉड लाइक की इस लाइनअप का पहला चिकन, दैट वुड बी रियली इनसेन। बट अभी के लिए बात करें इनसेन एक और चीज है, वो है टीम सेवन सीज का प्रदर्शन, जो अभी सिर्फ दो प्लेयर्स को संभालना है। सामने स्काउट को स्पॉट अगर कर लिया तो ओपन में फंस जाएंगे और उनको मेरे ख्याल से फिनिश भी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्काउट एक लोते ऐसे प्लेयर है जो जोन से बहुत दूर है, बाकी सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जोन के अंदर जा चुके हैं, उनको यहाँ पे बैक स्टेप रोक रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा सोल के स्काउट। बाहर चले गए जोन के, ये क्रिएटिव है बट कितना कारगर साबित होगा? क्या स्नाइपर टावर पर ही गाड़ी रुक सकती है? बिकॉज़ वो एरिया बिल्कुल खाली है। रेवेनेंट और डबल डब यहां पर अपनी 4v4 की फाइट में, स्काउट वहां पर आकर अपनी ऐसी आ सकते हैं, बट नहीं, स्काउट तो बिल्कुल सीधा ही आ गए। क्या स्काउट कमिंग आउट ऑफ नोवेयर एट दैट व्हीकल, बट कहीं ना कहीं स्काउट ऑन हो गए, मजा जरूर से आया। रेवेनेंट और टीम गॉड लाइक की फाइट में स्काउट यहां पर आ जाते हैं, हेवी ड्राइवर बनते हुए। बट ऑन द अदर साइड जोक से पार्ट, वापस स्काउट एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। टीम गॉड लाइक क्या सीन है? सीन तो बढ़िया चल रहा है, 8 फिनिश पॉइंट्स एंड टीम रेवेनेंट जो काफी हंगरी नजर आ रही थी फिनिश पॉइंट्स के लिए, उनसे वो एरिया ले लिया गया। टॉप डॉग बचे, ही इज द टॉप फ्रैगर, अपनी टीम से यहां पर काफी अच्छा डोमिनेशन करते हैं, बनाने के लिए अकेले बचे हुए तो ज्यादा अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। ऑन द अदर साइड वी हैव टीम 7 सीज, 8 फिनिश पॉइंट्स इनके पास, नीचे टॉप डॉग की पोजीशन यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। नॉट ओनली टीम गॉड लाइक, 7 सीज वांटेड दीस फिनिश पॉइंट्स एज वेल, बट ऑन टू द अदर साइड टीम 7 सीज हायर ग्राउंड पर है, टॉप डॉग इज ऑन फायर, बट वो फायर कहीं ना कहीं प्रिंस की साइड से निकल कर आती है, जो एलिमिनेट कर जाती है टीम रेवेनेंट को। What in God's name is happening in this one? Oh my God, Scout! What have you done there? I mean, गाड़ी लेके Revenant, I think एक अच्छी पोजीशन में तैयार हो रहा था 4v4 की फाइट के लिए, but एग्जाम में आ गए सोल के स्काउट और गाड़ी से उस प्लेयर को मेरे ख्याल से बहुत डैमेज दिया। पीछे से रेवेनेंट के ऑस्टिन ने जब स्काउट को टेक डाउन करे थे, वो भी ट्रेड हो गए, तो टीम टपाटप को स्काउट की एंट्री का बहुत फायदा मिलता हुआ। आई हैव टू करेक्ट माय सेल्फ, इट्स नॉट टीम टपाटप, इट्स टीम गॉड लाइक, और उनको इसका बहुत फायदा मिला। देखिए फायदा तो आपको भी मिल सकता है, फटाफट से जाइए डिस्कॉर्ड का लिंक आपको यहां पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, तो इसका वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे जाइए, पार्थ चड्ढा जी के रॉयल पास गिव अवे चल रहा है, यू हैव टू गो देयर एंड फॉलो हिम, साथ में टैग करना है पार्थ आपके दोस्तों को और आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे गिव अवे के अंदर। अभी के लिए टीम गॉड लाइक, ओह माय गॉड, 10 फिनिशेस, इट्स हैपनिंग, द फर्स्ट एवर चिकन डिनर माइट बी ऑन द कार्ड्स फॉर टीम गॉड लाइक। बिल्कुल, अभी के लिए यहाँ पर चिकन डिनर टीम गॉडलाइक का ड्यू है, जो कल अपना पहला मैच खेला था टीम गॉडलाइक के नाम से, वहां पर सेकंड आए थे बट 18 फिनिश पॉइंट्स निकाले थे इस बार से, और ये लीजिए बार बार देखते ही देखते बार बार भी आ जाता है, उतना टाइम ही नहीं यहाँ पर किसी को दिया। टीम गॉडलाइक दिल से गॉडलाइक ऐसे से, देयर यू गो इन द चैट सेक्शन एंड लुक एट द फिनिश पॉइंट्स दे हैव गॉट फॉर द वेरी फर्स्ट मैच, इट्स 12 इन द नंबर्स, वी हैव टीम ओजी इन द सेकंड स्पॉट हैविंग